हाय दोस्तों, नमस्कार। हम केके सिंह बघेल अपने यूट्यूब चैनल केके देसी किसान में आप सबका स्वागत करते हैं। यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केके देसी किसान। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल केके देसी किसान। हेलो दोस्तों, आज हम वेस्ट डीकम्पोजर का सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है, उसका उपयोग कैसे किया जाता है, पूरा प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएंगे इसका सोल्यूशन बनाकर। आप लोग हमारी वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारा चैनल केके देसी किसान सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसकी पूरी प्रोसेस हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। आप लोग हमारे वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारा चैनल केके देसी किसान जरूर सब्सक्राइब करिएगा। हेलो दोस्तों, ये देखिए, ये आधा किलो गुड़ है। अपने को 50 लीटर बनाना है, 50 लीटर पानी पे घोलना है, तो आधा लीटर गुड़ हम घोल लेते हैं। आप लोग देखते चलिए जैसा हम घोल रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। पूरी प्रोसेस हम आपको प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं। देखिए जैसा हम घोल रहे हैं, आधा किलो गुड़ पानी में घोल लेते हैं। फिर एक अलग बर्तन में इसका सोल्यूशन 25% डाल देते हैं। देखिए ये बेस्ट डीकम्पोजर है। इसको हमने ऑनलाइन के द्वारा मंगाया हुआ है। ये एक डिब्बी 20 रुपये की आती है, पर अपने को भाड़ा सहित 40 रुपये की पड़ जाती है। यहाँ पर आके इसका सरकारी रेट 20 रुपये का है। ये सरकार का एक उपक्रम है, सरकार ने इसको गोबर के द्वारा बनाया गया है। इस पे 3 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता बढ़ाते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे बनाया जाता है पूरा प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं बना के। देखिए इसको पानी में घोल लेते हैं। देखिए अपने को 50 लीटर पानी में बनाना है, तो 50 लीटर पानी के लिए आधा किलो गुड़ और यही 25% इसका सोल्यूशन डालना है। देखिए बराबर बराबर पानी तीनों बर्तन में मिला देते हैं। इसको बनाने के लिए आपको प्लास्टिक का बर्तन यूज करना है, लोहे का टीना का बर्तन यूज नहीं करना है, ओनली प्लास्टिक का बर्तन यूज करना है। तीनों में बराबर बराबर मटेरियल डाल देते हैं। ये आधा किलो गुड़ का रस है, गुड़ हमने घोला हुआ है, उसी को बराबर बराबर तीनों डब्बे में हम डाल देते हैं। आप लोग देखते चलिए, प्रैक्टिकल आपके सामने है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो हमारा चैनल केके देसी किसान आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। देखिए सोल्यूशन जो हमने घोला हुआ है बेस्ट डीकम्पोजर, उसी को बराबर बराबर मात्रा में तीनों बर्तन में डाल देते हैं। देखते चलिए, प्रैक्टिकल हम आपको दिखा रहे हैं इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, वह भी हम आपको दिखाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो पे लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, पूरा प्रैक्टिकल हम आपको दिखाएंगे। आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं, मात्र 20 रुपये में आप अपनी ज़मीन की क्षमता बढ़ा सकते हैं, उर्वरक क्षमता बढ़ा सकते हैं। 1 एकड़ में आपका 20 रुपये का डीकम्पोजर लगेगा, फिर आपको दोबारा खरीदना नहीं है। वही पानी आप रखे रहेंगे तो फिर आप अलग से जब बनाएंगे तो उसी में आप मिलाते रहेंगे, आपका सालों साल चलता रहेगा। देखिए इसको मिलाकर हिला देते हैं मट्ठा की तरह, पानी में पूरे तरह से घुल जाना चाहिए, देख लीजिए। फिर इसको ढक के रखना है, ये 7 से 8 दिन में बन के तैयार हो जाता है। देखिए इसको अपने को ढक देना है। आप लोग बिल्कुल देखते चलिए, आप लोग अपने घर पे बनाइए, एक बार आप लोग ज़रूर उपयोग करिए। अगर आपको फ़ायदा समझ में आएगा तो आप बारम्बार बनाइए। देख लीजिए, आप आज के ज़माने में उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए आपको खाद बड़ी महंग मिलती है, टोटल ऑर्गेनिक है, आप इसका उपयोग करिए, इससे बहुत लाभ होगा। आप लोग ज़रूर एक बार आजमाइए। देखिए 3 दिन का अपडेट है, देखिए हमारा बनने की पोजीशन पे आ रहा है। आप लोग गौर से देखते चलिए। देखिए इसको फिर हिलाते हैं, अपने को 24 घंटे में 2 बार मट्ठे की तरह लकड़ी के द्वारा हिलाना है। इसको बराबर घोल देना है चारों तरफ, देख लीजिए जैसा हम कर रहे हैं। आपको यही प्रक्रिया 7 से 8 दिन तक करनी है, 7-8 दिन में बन के तैयार हो जाता है। 7-8 दिन बाद आप इसका उपयोग कर सकते हैं। ये 3 दिन का अपडेट है, अपने को डेली ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है कि 24 घंटे में कम से कम 2 बार इसको इसी प्रक्रिया में गुजारना है, ऐसे इसको हिलाना है। देख लीजिए, आप लोग अपने घर पे बनाइए, इसका उपयोग करिए, देख लीजिए बन के तैयार हो रहा है। आप लोग ज़रूर, हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपनी खेती में ज़रूर उपयोग करिए। अगर फ़ायदा समझ में आएगा तो आप दोबारा उपयोग करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मत करिएगा। 20 रुपये तो आप खर्चा कर ही दीजिए। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़रूर उपयोग करिएगा। हम इसका उपयोग मिर्ची में कर रहे हैं, इसका अपडेट भी हम आपको अगले वीडियो पर दिखाएँगे, क्या फ़ायदा हुआ है कि नहीं। तो हम तो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम भी पहली बार ही यूज कर रहे हैं। इसका रिजल्ट कैसा आएगा इसका हम अगले वीडियो में आपको इसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे। आप लोग हमारा अगले वीडियो का वेट करिएगा। देखिए देखिए बन के तैयार हो रहा है, इसी प्रकार फैन उठाता है।
अब देखिए देखिए हमारा लगभग बन के तैयार हो चुका है। आज 8 दिन के बाद का अपडेट है, आज हम इसका उपयोग करके आपको दिखाएंगे। आप लोग हमारे वीडियो पे लाट जरूर बने रहिएगा। हमने भी सुना है कि इसका बहुत फायदा होता है, तो हम उपयोग करेंगे, प्रैक्टिकल बिल्कुल करेंगे, इसका रिजल्ट भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा चेंज हो चुका है। अब इसका उपयोग करने की विधि हम बता रहे हैं। इसका पानी और नॉर्मल पानी मिला के खेत में छोड़ना है। आप लोग बिल्कुल देखते चलिए, ये डब्बे पलट दिया, इस पर छोटा सा होल कर देते हैं। आप लोगों को लंबा प्रक्रिया लंबा खेत में डालना है तो आपको 200 लीटर ड्रम में हल्का सा होल करके वही यही विधि अपनानी है। देखिए ये अब जा रहा है, इसी के साथ में अपने को पानी छोड़ना है। बराबर मिक्सर होके पानी जाएगा आपके खेत पे, पूरे खेत में फैल जाएगा। आप इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, कई विधि है, पर यह सबसे सरल विधि होती है। इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपका खेत में उर्वरक क्षमता बढ़ जाएगी। जहाँ जहाँ इसका पानी जाएगा वहाँ वहाँ इसके बैक्टीरिया मिट्टी में मिल जाएंगे। अगर हमारा वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा होगा तो हमारा चैनल के देसी किसान आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय राम जी भाई लोगों।